दुबड़ी आठे की कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था, उसके साथ बेटे थे। वह अपने जिस बेटे का विवाह करता वही मर जाता। इस तरह से उसके 6 बेटों की मृत्यु हो गई, केवल सबसे छोटा बेटा ही शेष रह गया। इससे साहूकार बड़ा दुखी हुआ। कुछ समय बाद छोटे बेटे के विवाह की चर्चा हुई। उसका रिश्ता पक्का हो गया, विवाह की तिथि तय हो गई। लड़के के विवाह में सम्मिलित होने जब लड़की की बुआ आ रही थी तो रास्ते में उसे एक बुढ़िया चक्की का आटा पीसती हुई मिली। लड़के की बुआ ने उस बुढ़िया को सारी बात बता दी। इस पर बुढ़िया बोली, वह लड़का तो घर से निकलते ही दरवाजे से दब कर मर जाएगा। अगर इससे बचा तो रास्ते में बारात रुकने की जगह पर पेड़ गिरने से मर जाएगा। अगर यहाँ से भी बच गया तो ससुराल में दरवाजा गिरने से मर जाएगा। अगर यहाँ से भी बचा तो विवाह मंडप में 7वां फेरे लेते समय सर्प के काटने से मर जाएगा। यह सुनकर लड़के की बुआ बोली, हे माता, यदि बचने का कोई उपाय हो तो बताओ। बुढ़िया बोली, बचने का उपाय तो है पर कठिन है। इस पर बुआ बोली, आप बताओगी तो किया ही जाएगा, आगे ईश्वर इच्छा, पर प्रयास तो करना ही चाहिए। बुढ़िया बोली, जब लड़के की बारात विदा हो तो उसे पीठ पीछे दीवार फोड़ कर निकालना, किसी वृक्ष के नीचे बारात को ना रुकने देना, ससुराल में भी पीछे से दरवाजा फुड़वा कर जयमाला करवाना, भावर समय एक कटोरे में दूध रख लेना, अर्थात फेरों के समय एक कटोरे में दूध रख लेना, एक तांत का फांसा बनाकर रख लेना, जब सांप आकर दूध पी ले तो उसे फांसे में फंसा कर बांध लेना। इसके बाद सर्पनी आएगी, वह सांप को छोड़ने के लिए कहेगी, तब उससे अपने मृत 6 भतीजों को मांगना, वह पहले मरे हुए तुम्हारे 6 भतीजों को जीवित कर देगी। इस बात को किसी से न कहना, क्योंकि ऐसा कहने से वह सुनने वाले दोनों की ही मृत्यु हो जाएगी। इससे लड़का भी नहीं बचेगा, वह भी मर जाएगा। सारी बातें बताकर बुढ़िया ने अपना नाम दुबड़ी बताया और चली गई। सारी बातें सुनकर लड़के की बुआ घर आई। जब बारात जाने लगी तो लड़के की बुआ रास्ता रोक कर खड़ी हो गई और बोली, मेरे भतीजों को दीवार फोड़ कर पीछे से निकालो। ऐसा ही किया गया, लड़का सकुशल निकल आया, वह भी बारात के साथ गई। मार्ग में जब बारात एक वृक्ष के नीचे रुकने लगी तो बुआ ने सबको रोका और लड़के को वृक्ष के नीचे न बैठा कर धूप में बिठाया। लड़के के धूप में बैठते ही वृक्ष भी चरम मरा कर गिर गया। यह देखकर सारे बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। पूरी बारात बुआ की अब तक की समझदारी से प्रभावित थी, इसीलिए किसी ने भी उसकी बात का विरोध नहीं किया। जब बारात ससुराल पहुंची तो बुआ ने लड़के और बारात का गृह प्रवेश पिछले दरवाजे से करवाया। आते ही आगे का दरवाजा अपने आप भर भरा कर गिर गया। इस पर सब आश्चर्य करने लगे और आपस में कहने लगे कि यह सब बातें बुआ को किसने बताई। तब लड़के की 7वां फेरा पड़ने लगा तो बुआ ने कटोरे में कच्चा दूध मंगा कर और तांत का फांसा बना कर रख लिया। जब लड़के की 7वीं भावर अर्थात 7वां फेरा पड़ने लगा तो तभी सर्प आया और बुआ ने उसके आगे दूध रख दिया। जब सांप दूध पीने लगा तो बुआ ने तांत के पासे में फंसा कर सांप को बांध लिया। इस पर सर्पनी ने उसके भतीजे जीवित कर दिए और सर्प को अपने साथ लेकर चली गई। इस प्रकार साहूकार के 7 पुत्र जीवित हो गए। बारात सकुशल घर वापस आई। साहूकार के मृत बेटों को जीवित करने वाली उस अज्ञात दुबड़ी नाम की वृद्धा का नाम दुबड़ी आठे पड़ गया। हे दुबड़ी माता, जैसे तुमने साहूकार की बहन के 7 भतीजे लौटाए, ऐसे ही सब की रक्षा करना। बोलो दुबड़ी माता की जय, माँ दुर्गा माता की जय। दुबड़ी की कथा सुनने के बाद विंदायक जी की कथा अवश्य कहें, तभी कथा का पूरा फल मिलेगा, पूजा का पूरा फल मिलेगा। विंदायक जी की कथा। एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी की, भाई मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मेरी पूजा के लिए पत्थर के एक गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। राजगीर बोला, माई, जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाऊंगा उतनी देर में तो मैं सेठ जी की दीवार पूरी कर दूंगा, तो दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी आए और पूछा कि आज कुछ काम नहीं किया,
तब राजगीर ने बुढ़िया वाली बात बता दी। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर कहा, माई तुम हमारी दीवार सीधी कर दो तो हम तुम्हें सोने का गणेश जी बनवा देंगे। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। हे विंदायक जी महाराज, जैसे सेठ की दीवार सीधी करी वैसे ही कहते सुनते हमारे भी सारे कार्य सिद्ध करना, सीधे करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय, विनायक जी महाराज की जय। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।